अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम आपको हर परेशानी से महफूज रखे, मालिक मौला आपकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे, अल्लाह आपको शाद आबाद रखे। देखिए मेरे अजीज़ों, आज है 6 नवंबर 2022। जी हाँ, इंशाल्लाह ताला टाइटल आपने देख ही लिया होगा। अब आपको बताने की ज़रूरत ये है, मैं आपको समझाऊँगा और समझाने की मुझे ज़रूरत ये है कि आज 6 नवंबर में चाँद की जो तारीख है, 11वीं शरीफ की जो 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है, तो चांद की आज 10 तारीख है, ठीक है। और 10 तारीख कब तक रहेगी? मगरिब के टाइम तक। और मगरिब की नमाज के वक्त जो टाइम होता है 11वीं शरीफ का शुरू हो जाएगा, यानी कि 11 तारीख लग जाएगी चांद की, ठीक है। तो बड़ी 11वीं शरीफ का ये महीना है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमें ये नसीब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आज आपको प्रैक्टिकल करके बताऊँगा। देखिए मैं दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पर 11 खजूरें ले भी ली हैं, आप गिन सकते हैं 11 ये, बल्कि मैं आपको गिन के दिखा दूँ, कोई बात नहीं है मेरे अजीज़ों, अल्लाह सबको सलामत रखे। तो आप वीडियो में पूरा बने रहें, आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आपको ये 11 खजूरों वाला अमल कैसे करना है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो 11 मुबारक नाम हैं उनको किस तरीके से आपको पढ़ना है और इस अमल को कब करना है। बहुत सारी भाइयों की बहनों की कमेंट्स आई, डाउट थे कि कैसे करना है, कितने लोगों को खजूरें खानी है, किस टाइम करना है, नाम 11 बार अलग अलग पढ़ने हैं, या मतलब बहुत सारे डाउट थे। मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं क्योंकि मैं इस अमल को आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं इंशाल्लाह ताला। अब मैं आपसे बता दूं कि इस अमल को पहले मैं बता दूं कि आप कब से और कब तक कर सकते हैं। आज जो है 6 नवंबर है, जो भाई आज अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो समझ जाएं, और जो भाई 7 नवंबर में इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी समझ जाएं। आज 6 नवंबर है मेरे अजीज़ों, और 6 नवंबर को मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद में आपको ये अमल करना है अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर तो ये रहेगा कि आज ही आप मगरिब की नमाज़ के बाद इस अमल को कर लें। कोई भाई अगर आज 6 नवंबर में, 6 नवंबर 2022 है, आज नहीं कर पाए तो वो कल सुबह को यानी कि फजर के बाद कर लें, या कल जोहर के बाद कर लें, या असर के बाद कर लें, या हद यहाँ तक है कि वो मगरिब के बाद भी कर सकता है कल को, लेकिन मगरिब की नमाज़ के बाद में 12 तारीख चांद की लग जाएगी। तो कोई बात नहीं, फिर भी वो कल मगरिब के टाइम तक भी वो इस अमल को कर सकते हैं। आज मगरिब से, 6 नवंबर की मगरिब से लेकर के और 7 नवंबर की मगरिब तक इस अमल को आप कर सकते हैं, समझ गए मेरे अजीज़ों। और हो सके किसी को टाइम नहीं मिला तो कल 7 नवंबर में असर की नमाज के बाद आप इस अमल को कर लें, ठीक है। अब अमल आपको करना कैसे है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 11 मुबारक नाम पाक हैं जो आपको उसका वजीफ़ा है, जो आपको पढ़ना है, और अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़नी है। अब आपको अव्वल और आखिर यानी शुरू में और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़नी है, वो 11 मरतबा ही आपको दुरूद शरीफ पढ़नी है। अब मैं आपको बता दूँ, दुरूद शरीफ जो भी आपके याद हो आप वो पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा बारिक, आप ये 11 बार पढ़ें शुरू में और फिर 11 बार आखिर में पढ़ें। और किसी भाई को अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा बारिक की याद भी नहीं है। मैंने देखा कि बहुत से भाइयों को तो अल्लाह माफ़ करे परवरदिगार, अल्लाह उन्हें तौफीक दे, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, अलहमद शरीफ का भी पता नहीं कि अलहमद शरीफ कब पढ़ी जाती है और अलहमद शरीफ क्या है, वो कह रहे हैं लिख के भेज दे। तो भाई लोगों, इसलिए मैं कहता हूं कि मैं इसको करके दिखाता हूं, और आपके दरूद शरीफ कोई याद नहीं हो तो सिर्फ आप 11 मरतबा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये भी दरूद शरीफ है, 11 बार इसको शुरू में पढ़ लें, और फिर 11 गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पुकारने के बाद में फिर आखिर में भी 11 मरतबा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद इसको पढ़ लें। तो उसके बाद में सारी खजूरों पर, ये जो खजूरें रखी हैं इन पर दम कर दें, और दम करके फूंक मार के इनको जो बंदा इस अमल को करे वो हाथों हाथ तभी इन खजूरों को खा लें। मेरा जो ये आज़माया हुआ अमल है, जैसे मैंने किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह गौसे पाक के करम से, अल्लाह के रहमो करम से गौसे पाक की इनायत हुई, और पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जानता है, बेशक अल्लाह गवाह है कि मुझे कोई परेशानी नहीं आई। इतनी बरकतें हैं इस अमल की मेरे, यानी अल्लाह के वलियों की शान देखिए। देखिए इनसे फैज़ हासिल करते रहिए, क्योंकि अल्लाह के वलियों से जो फैज़ हासिल करते हैं बाखुदा उन्हें फैज़ वाकई मिलता है। हमारी ज़ुबानों में वो तासीर कहाँ जो अल्लाह के नेक बंदों की ज़ुबानों में तासीर थी। देखिए अगर कह दिया गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक्य ले लीजिए, या बहुत सारे वलिय कामिलों का किसी का भी वाक्य ले लीजिए, हम अपने बुजुर्गों की तारीख पढ़ें, कैसे कैसे वाक्यात हैं कि मुर्दे में ठोकर लगा दी तो जिंदा हो जाया करता था। ये गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामत है।
और कुछ भाइयों के अकीदे ऐसे हैं कि ये सब झुटलाएंगे, मना करेंगे, लेकिन हमें उस तरफ नहीं जाना है, हमें आपको अमल करके बताना है। और आज दो तीन शेर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 11वीं शरीफ के मुतालिक मैं आपको सुनाने वाला हूँ। एक भाई ने कमेंट की थी कि आप नाज़ शरीफ बहुत सुनाते हैं, कभी मनकबत सुनाने की भी ज़हमत करें, तो आज मैं मनकबत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मनकबत सुनाऊँगा और आपका दिल खुश हो जाएगा। इतने प्यारे शेर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे सलमान भाई अंदर से रूहानी सुकून मिल रहा है इस कलाम को सुनने के बाद में। तो पहले मैं आपको अमल बताता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, थोड़ा सा जिक्र श्याप भाई का भी कर लेते हैं। श्याप भाई की लोकेशन अभी वही है, आफिया किड्स स्कूल में ही रुके हुए हैं और जब वो निकलेंगे इंशाल्लाह तो आपको बता दिया जाएगा। जी हाँ इंशाल्लाह ताला, चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, इससे क्या होगा अच्छे अच्छे अमल, अच्छे अच्छे वजीफे, अच्छी अच्छी जानकारी, श्याप भाई की लोकेशन, आपको सब कुछ मिलता रहेगा। हमसे जुड़ जाइए, कुछ नहीं करना, वह सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना। तो चलिए दोस्तों अमल शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे अजीजों, ये 11 खजूरें मैंने ले ली हैं, अब मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ कि आपको करना कैसे है, ठीक है। अब मैंने ये आगे रख लिया। हाँ एक बात और बता दूँ, जिस परेशानी में भी आप मुब्तला हैं आप ये दुआ और कर लीजिए दिल दिल में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े में, गौसे पाक के सदक़े में मौला इस अमल को कबूल कर ले परवरदिगार, और जिस नियत से मैं पढ़ रहा हूँ मेरी हर परेशानी दूर कर दे, नियत भी दिल में होनी चाहिए, और आने वाली साल की पूरे साल की हर परेशानी से अल्लाह महफूज रखे ये नियत भी दिल में होनी चाहिए। इंशाल्लाह आपको हर परेशानी से आप महफूज रहेंगे और इंशाल्लाह आपके रिस्क में भी बरकत होगी इंशाल्लाह ताला। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आपने ये 11 खजूर ले लेनी है और खजूर लेने के बाद में सामने रख लेनी है मगरिब की नमाज के बाद में। 6 नवंबर को मगरिब की नमाज के बाद में, ये आपको आज टाइम नहीं मिले तो कल मैंने बता दिया 7 नवंबर में ले लीजिए, जोहर में या असर में या मगरिब में लास्ट बस, ठीक है भाई मेरे। तो अब आपको ये 11 खजूर नमाज के बाद में अपने आगे रख लेनी है, आपको सच्चे दिल से सिद्क दिल से अल्लाह की बारगाह में गिड़ गिड़ा कर दुआ भी करनी है, रो रो कर दुआ भी करनी है इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह से दुआ करनी है कि परवरदिगार गौसे पाक के वसीले से, गौसे पाक के सदक़े से मौला मेरी हर परेशानी दूर कर दे। तो तुम्हें फिर क्या करना है, 11 खजूर लेने के बाद में आपको शुरू यहाँ से करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपको 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़नी है। अब जिसके दो जो भी दरूद शरीफ याद हो वो पढ़ ले, और नहीं हो तो फिर ये पढ़ ले जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपको 11 मरतबा पढ़नी है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, 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 ठीक है। अब आपको आपने ये 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ली, अब आपको पढ़नी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11 गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वो 11 मुकद्दस नाम आपको अब लेने हैं, ठीक है। और एक काम और आपको करना है, जो ये खजूर है इनकी गुटली आपको निकाल कर रख लेनी है पहले ही, 11 खजूरों की गुटली आप पहले ही निकाल कर रख लें, ठीक है। अब आपको वो 11 मुबारक नाम पढ़ने हैं, सुनिए। या शेख मुहीउद्दीन, या सैयद मुहीउद्दीन, या मौलाना मुहीउद्दीन, या मखदूम मुहीउद्दीन, या दरवेश मुहीउद्दीन, या ख्वाजा मुहीउद्दीन, या सुल्तान मुहीउद्दीन, या शाह मुहीउद्दीन, या गौस मुहीउद्दीन, या कुतुब मुहीउद्दीन, या सैयद सादात अब्दुल कादिर मुहीउद्दीन, 11 नाम हो गए। रिपीट करता हूँ एक बार और बताता हूँ, कोई भाई समझ में नहीं आए किसी को दोबारा वो समझ सकते हैं, स्क्रीन पर भी दे रहा हूँ 11 के 11 नाम, ठीक है। आप फिर दोबारा सुन लीजिए, मैंने पहले दरूद शरीफ पढ़ी 11 बार और 11 ये जो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम है, मैं इनको भी पढ़ दोबारा से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सुनिए मेरे अजीज़ों, या शेख मुहीउद्दीन, या सैयद मुहीउद्दीन, या मौलाना मुहीउद्दीन, या मखदूम मुहीउद्दीन, या दरवेश मुहीउद्दीन, या ख्वाजा मुहीउद्दीन, या सुल्तान मुहीउद्दीन, या शाह मुहीउद्दीन, या गौस मुहीउद्दीन, या कुतुब मुहीउद्दीन, या सैयद सादात अब्दुल कादिर मुहीउद्दीन, उसके बाद में फिर सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, 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 सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फिर आपको इन खजूरों पर फूंक मार के दम कर देना, इन पर फूंक मार के दम करके इन खजूरों को आपने ये 11 के 11 खजूरें उसी टाइम खा लेनी है। यूं तो इन खजूरों को आप परिवार में किसी को खिला भी सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो मेरा आजमाया हुआ अमल है तो मेरे नज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप इन खजूरों को जो इस अमल को करें और वही इन खजूरों को उसी वक्त खा लें, 11 की 11 खजूरें उसी वक्त खा लें। ऐसा नहीं कि एक एक खजूर उठाकर आपको हर खजूर पर 11 बार पढ़ना है, वो भी एक अमल है, लेकिन जो मैंने आजमाया है, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया था पिछले साल 11वीं शरीफ वाले दिन, तो अल्हम्दुलिल्लाह
मैंने ऐसे ही किया था जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यानी 11 मरतबा दुरूद शरीफ, फिर 11 गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम, फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, फिर इस पर दम करके फूंक मार के, और इनको जब ही हाथों हाथ मैंने खा लिया था पिछले साल 11वीं शरीफ में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जानता है, बेशक कोई परेशानी पूरा साल हो गया अभी तक नहीं आई है। अल्लाह का इतना एहसान, आप लोगों की दुआएँ हैं, माँ बाप की, वालिदैन की दुआएँ हैं। वीडियो आज का बहुत लंबा हो गया है, कोई बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये अमल आपके समझ में आ गया होगा, और किसी भाई के समझ में नहीं आए, चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पड़ा हुआ है, आप वहां जाएं और मुझे कॉल करके भी मालूम कर सकते हैं। तो मैं आपको ये 3 शेर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मनकबत के सुनाता हूं, इन्हें सुन के जरूर जाए, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। खुदा के फजल से हम पर हिसाया गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर हिसाया गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर हिसाया गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहाँ में है, हमें दोनों जहाँ में है सहारा गौसे आज़म का, हमें दोनों जहाँ में है सहारा गौसे आज़म का, हमारी लाज किसके हाथ गए बगदाद वाले के, हमारी लाज किसके हाथ गए बगदाद वाले के, मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर हिसाया गौसे आज़म का, और अजीज़ा कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, अजीज़ा कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, लिख दे ना कफन पर ना मुलेवा गौसे आज़म का, तो लिख दे ना कफन पर ना मुलेवा गौसे आज़म का, हमें दोनों जहाँ में है अहद में जब फरिश्ते मुझसे पूछेंगे तो कहेंगे दूंगा, लहद में जब फरिश्ते मुझसे पूछेंगे तो कहेंगे दूंगा, लहद में जब फरिश्ते मुझसे पूछेंगे दूंगा, तरीके कादरी हूँ ना मुलेवा गौसे आज़म का, तरीके कादरी हूँ ना मुलेवा गौसे आज़म का, हमें दोनों जहाँ में है सहारा गौसे आज़म का।
तो मेरे अजीजों कैसा लगा आपको कलाम? अल्हम्दुलिल्लाह, गौसे पाक की मनकबत जो मैंने आपके सामने पेश की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मनकबत है ये। हो सके तो आप भी इसको पढ़ें, पढ़ने की कोशिश करें और इसकी बरकत से भी आपकी तकदीर बदल सकती है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे एक नए कलाम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल से जुड़े रहे, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और मेरा भी ख्याल रखें अल्हम्दुलिल्लाह। अपना जो परिवार है 5 लाख का होने वाला अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग सपोर्ट बनाए रखें और बिलखसूस दुआ में याद रखें, नमाज का ख्याल रखें, वालिदैन की इज्जत करें, लोगों से आजिज़ी के साथ में पेश आएँ, अपने बच्चों पर शफ़क़त करें, बड़ों की इज्जत करें, छोटों की भी इज्जत करें, ठीक है, और नमाज का ज़रूर ख्याल रखें अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अमल जो मैंने आपको बताया ना, अमल तब तक किसी का कामयाब नहीं जब तक वो नमाज का पाबंद नहीं है। आप नमाज पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह, आप नमाज की पाबंदी करें और इस अमल को करेंगे ना इंशाल्लाह ताला, मैं दावे से कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा वादा है इंशाल्लाह ताला, आपको पूरा साल कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। मगर शर्त यह है कि अमल को करने के साथ साथ 5 टाइम की पाबंदी के साथ में नमाज पढ़नी पड़ेगी इंशाल्लाह। फिर देखें ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, रिस्क में बरकत होगी, कोई मुसीबत पूरा साल तक नहीं आएगी गौसे पाक के सदके में इंशाल्लाह ताला। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे, अपना ख्याल रखें।